क्या बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह में फंस जाएंगे अखिलेश? बीजेपी की सियासी पिच पर आखिर बैटिंग को क्यों बेताब है विपक्षी? बीजेपी के घरेलू मैदान से क्या विपक्षियों को मिल सकेगा फायदा? यूपी की सत्ता के लिए सियासी संग्राम का आगाज हो गया है और सियासी दलों के सम्मेलनों का दौर भी शुरू हो गया है। हर कोई सत्ता में बैठी बीजेपी को उखाड़ फेंकने के दावे भी कर रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो सियासी चक्रव्यूह रचा है उससे बचना राजनीतिक दलों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव का जो पूरा संग्राम है उसकी सियासी पिच बीजेपी ने ही तैयार की है और उसी पर राजनीतिक दलों ने बैटिंग करना भी शुरू कर दिया है। यानी बीजेपी ने यूपी में जिस खेला की तैयारी की थी, विपक्षी उसमें बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि बड़े बड़े राजनीतिक सूरमाओं को बीजेपी के इस सियासी चक्रव्यूह का अंदाजा तक नहीं है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर यूपी विधानसभा चुनाव के लिए क्या है बीजेपी का फुल प्रूफ प्लान और कैसे विपक्षी इसमें उलझते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी जोरों पर है और बीजेपी समेत सभी विपक्षी दलों ने इसका आगाज भी कर दिया है, लेकिन इस बार सियासत का केंद्र अयोध्या बनकर रह गया है। अरे साहब, वही अयोध्या जो बीजेपी की सियासत की जन्मस्थली है, इसी अयोध्या ने बीजेपी को कई बार सत्ता का स्वाद भी चखाया है। यानी आप कह सकते हैं कि ये बीजेपी का वो सियासी मैदान है जहां बड़े से बड़ा सियासी पहलवान भी बीजेपी को चित नहीं कर सकता। लेकिन इस बार अयोध्या से ही विपक्षियों ने भी अपने चुनावी संचनाद किया है। फिर चाहे बसपा के सतीश मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की हो या फिर ओवैसी का चुनावी आगाज हो, यही नहीं आप पार्टी भी तिरंगा यात्रा अयोध्या से ही करने जा रही है। और तो और, अन्य विपक्षी दल भी अयोध्या से ही अपने चुनावी सफर की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं। यानी बीजेपी की सियासत के सबसे मजबूत गढ़ से विपक्षी अपनी जीत की इबारत लिखने का ख्वाब देख रहे हैं, जो कि इतना आसान नहीं होगा। दरअसल यूपी चुनाव में अयोध्या का सियासी केंद्र बनना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये बीजेपी का वो सियासी चक्रव्यूह है जिसमें विपक्षी फंसते जा रहे हैं। चलिए आप भी समझ लीजिए आखिर बीजेपी का क्या है फुल प्रूफ प्लान। दरअसल कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, किसान विरोधी बिल और कोरोना में मची त्राही त्राही से इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे लोगों की चिताओं से झुलस गए प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी इन मुद्दों पर बिल्कुल भी चुनाव में नहीं जाना चाहती, क्योंकि बीजेपी की सियासत उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो पिलरों पर टिकी है, एक तो राम मंदिर और दूसरा सांप्रदायिकता का घिनौना खेल। यही वो दो मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी सियासी संग्राम लड़ना चाहती है, इसलिए उसने अयोध्या में ही विधानसभा चुनाव की सियासी पिच तैयार की है ताकि जीत की राह आसान हो। अब आप खुद ही समझिए, क्या घरेलू मैदान में किसी टीम को हराना आसान होगा? लेकिन विपक्षी इस सियासी चाल से पूरी तरह बेखबर है और अयोध्या का ही राग अलाप रहे हैं। यही नहीं, तालिबान को भी मुद्दा बनाकर बीजेपी ने सांप्रदायिकता का अपना दूसरा दांव भी चल दिया है। यानी बीजेपी की सियासी पिच पर बैटिंग करके 2022 को जीतने का मंसूबा पालने वाले विपक्षी इस सियासी चक्रव्यूह में इस तरह उलझ चुके हैं कि अगर समय रहते विपक्षियों ने अपनी पिच पर बैटिंग करनी नहीं शुरू की तो भैया 2022 में यूपी में निश्चित खेला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज़।